Good morning class 6. Today I explain chapter math ka chapter 8 exercise 8.4. First question is express as rupees using decimal. आपको रुपीस को डेसिमल में एक्सप्रेस करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 पैसे. 5 पैसे आप इसको किस तरीके से डेसिमल में एक्सप्रेस करोगे. यू नो दैट 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे. यू नो दैट 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे. 1 रुपए में आपके कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. देन यू एक्सप्रेस 5 पैसे इनटू डेसिमल. डेसिमल में एक्सप्रेस करना है सो दैट अगर हम क्या करें कि 1 पैसे में रुपए में कन्वर्ट करते हैं. 1 पैसे को अगर हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं या इसको इस तरीके से कह लीजिए 1 पैसे इक्वल टू 100 रुपी. ठीक है. एंड 1 पैसे इक्वल टू हो जाएगा 1/100 रुपी. इसमें एक्सप्रेस हो गया ये रुपी में. सो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं देन वी डिवाइड बाय 100 टू 1. अगर 100 को हम 1 से डिवाइड करते हैं 1 आपका क्या है 100 इज मोर ग्रेटर नंबर है 1 से. तो इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले अगर हम 0 लेते हैं तो आपका क्या यूज होगा डेसिमल. नेक्स्ट अगर हम तभी ये क्या है 10 इज लेस देन 100. नेक्स्ट 0 यूज करते हैं तो ये आपका आया 1 0 के बदले आपका डेसिमल होगा. नेक्स्ट 0 हम लेंगे तो इसके साथ क्या है हम 0 जो क्वेश्चन है वहां हम क्या यूज करेंगे आपका 0 यूज होगा. देन वी डिवाइड बाय 100 टू 100 बन जाए 100 इट एक्सप्रेस इन डेसिमल. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 पैसे इक्वल टू 0.01 रुपी. इस तरीके से इसका साइन लगा दीजिए रुपी का 1 पैसे इक्वल टू या इस तरीके से लिख दीजिए इसमें कि 0.01 रुपी. सो दैट इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि 5 पैसे इक्वल टू ये इसी तरीके से होगा 0. आपका अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं 0.01 रुपी एंड इट्स आल्सो एक्सप्रेस इन अ डेसिमल. और ये किसमें एक्सप्रेस हो गया आपका किसमें चेंज हो गया हमारा किसमें चेंज हो जाएगा आपका ये आपका डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गया. ठीक है. तो हमें सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे. अगर हम इसको कहते हैं 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी और अब 1 पैसे को अगर हम रुपी में कन्वर्ट करते हैं सो दैट द 1 पैसे इक्वल टू 0.01 रुपी. तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे 5 पैसे को भी हम क्या करेंगे रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या होगा 0.01. हाउ इसी तरीके से लेंगे कि 1 रुपी आप ये वाला स्टेटमेंट याद रखेंगे कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे. और जब हमें क्या करना है कि 5 पैसे को जब आप इसमें कन्वर्ट करोगे रुपी में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या होगा आप किस तरीके से कि डिवाइड आप 100 से 5 को डिवाइड करोगे सो दैट वी फाइंड द 0.05 रुपीज. और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में भी कन्वर्ट हो जाएगा. आप इसी तरीके से अदर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो. 75 पैसे इन कन्वर्ट इन डेसिमल. डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे आप तो आप उसी तरीके से 1 रुपी इक्वल टू 1 रुपी
इक्वल टू 100 पैसे। आपको इतना याद रखना है कि 1 रुपए में आपके क्या होते हैं, 100 पैसे होते हैं। देन आप इसे कह दिए 1 पैसे, 1 पैसे इक्वल टू ये होगा 1/100 रुपी। इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, 1 पैसे को हमने 100 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ऐसे ही 75 पैसे इक्वल टू 75/100 रुपीज, जब हम 100 से 75 को डिवाइड करेंगे, 100 से आप 75 को डिवाइड करिए तो आपका क्या होगा कि आप डायरेक्ट 75 को 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, बेटेगा 0। अगर आप एक 0 लेते हो तो यहाँ क्या होगा आपका, ये डेसिमल यूज होगा। ठीक है, आपका क्या है, वंस वाली वैल्यू आपकी जीरोस हैं एंड देन वी यूज अ डेसिमल, तो ये क्या हो गया 100 7 7 700। देन माइनस करेंगे आपका आया 550। फिर से आप क्या हो, आप जब एक डेसिमल यूज कर सकते हैं, जब आपने डेसिमल यूज कर लिया उसके बाद आप क्या है एक जीरो का यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, एक जीरो लोगे, फिर से क्या 500 5 500। ठीक है, ये आपका यहाँ कैंसिल हो गया। देन वी फाइंड 75 पैसे इक्वल टू वी कन्वर्ट, आप क्या है कि हमने क्या कर दिया, 75 पैसे को हमने रुपी में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका आया 0.075 रुपी। ठीक है, और ये आपका डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गया। जो क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, ठीक है, रुपी को रुपी में आपके जो पैसे हैं उनको आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है। आप इसी तरीके से और क्वेश्चंस भी, इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस भी कर सकते हो, जिसमें है आपका जैसे 20 पैसे, अदर्स क्वेश्चंस हैं इसमें बी वाला है 20 पैसे। आप इसी तरीके से इन्हें क्या कर सकते हो, डेसिमल में रुपीज को पैसे, आपको जो पैसे हैं पैसे को आप रुपी में कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक यू।